हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी हम हाइट को मैनिफेस्ट कैसे करें, दी प्लीज़ हाइट सक्सेस स्टोरी अपलोड कीजिए। तो बहुत सारे आपके कमेंट थे, इसलिए मैंने ये हाइट सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ ताकि आपको समझा भी पाऊँ और ये सक्सेस स्टोरी सुना भी पाऊँ। तो ये सक्सेस स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है और इसमें बहुत ईजी तरीका है, बहुत ही ईजी टेक्निक है। तो इसकी हेल्प से आप अपनी मनचाही हाइट को बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हो, किसी भी प्रकार का डाउट भी नहीं रहेगा। तो चलिए इस सक्सेस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सक्सेस स्टोरी को सुनाने से पहले इसकी कुछ डिटेल मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो ये सक्सेस स्टोरी है सविता की, एंड सविता ने अपनी हाइट को सिर्फ 3 महीनों में ही मैनिफेस्ट किया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, मतलब यूनिवर्स ने उन्हें हाइट देने में ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, ठीक है। मतलब सिर्फ 3 मंथ में ही उनको अपनी हाइट मिल गई है, डिज़ायर हाइट, ठीक है। एंड सबसे पहले उनकी हाइट जो थी वो 5 फीट 1 इंच थी, एंड अभी उनकी हाइट 5 फीट 8 इंच है, ठीक है। और उनकी जो एज है उस एज को भी मैं बता देती हूँ, कई लोग कमेंट करते हैं। तो उनकी एज जो है 25 ईयर है, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उनकी एज वो 25 है, ओके। तो चलिए सविता की ये सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो सविता लिखती हैं कि हाय दी, बहुत 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 ज़्यादा आज मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी डिज़ायर्ड हाइट मुझे मिल चुकी है, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। और ये सक्सेस स्टोरी सुनाते हुए बताते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मेरे हाथ भी कांप रहे हैं कि मैं ये सक्सेस स्टोरी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पहले दूसरों की सक्सेस स्टोरी को देखती थी, लव अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी में। और वहाँ पर मैं भी सोचती थी कि मतलब काश एक दिन मैं भी अपनी सक्सेस स्टोरी सबके साथ सुना पाऊँ, बता पाऊँ, कि जैसे लोग कमेंट्स बॉक्स में और किसी किसी चीज़ में सक्सेस स्टोरी अपलोड करते हैं या बताते हैं। तो एक दिन काश मेरी भी ये सक्सेस स्टोरी सब सुने और मैं भी किसी को भेज पाऊँ, लिख पाऊँ। तो मेरा ये जो सोचना है और मैं जो चाहती थी वो बिल्कुल कनेक्ट हो गई, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी ही सक्सेस स्टोरी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, भेज रही हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने जो टेक्निक किया है वो है विजुलाइजेशन की टेक्निक, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी टेक्निक है, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब मैं स्टार्टिंग में मेरी हाइट 5 फीट 1 इंच थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करती थी। हालांकि मैं अपनी हाइट को कभी बुरा भला नहीं कहती थी, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच हो जाए और मैं टॉल दिखूँ और अपने पसंद की ड्रेसेस पहनूँ। और मुझे मॉडल्स ड्रेस पहनना बहुत अच्छा लगता था, मतलब डिज़ाइनर जो ड्रेस थे मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और मेरे पास काफ़ी सारे ड्रेस का कलेक्शन भी है, हालांकि मेरी हाइट शॉर्ट थी पहले, लेकिन फिर भी मैं अच्छे अच्छे ड्रेसों को कलेक्ट करके रखती थी। और मुझे पूरा बिलीव था कि किसी न किसी दिन मेरी हाइट मैनिफेस्ट होकर ही रहेगी, तो मैं हार नहीं मानूंगी और एक दिन मैं ये ड्रेस को पहनूंगी ही पहनूंगी। तो इस तरह से मैंने लव अट्रैक्शन का यूज़ किया और मैंने वहाँ पर विजुलाइजेशन टेक्निक को लगाया, एंड मैंने विजुलाइज़ किया कि मेरे पास जो डिज़ाइनर कपड़े हैं, ठीक है, उसको एक दिन मैं पहनूंगी टॉल होने के बाद, 5 फीट 8 इंच जब मेरी हाइट बढ़ जाएगी तब मैं उस ड्रेस को पहनूंगी। और पहन करके जो भी पार्टी है, मतलब बर्थडे पार्टी, मैरिज और भी बहुत सारे पार्टीज़ हैं, तो उन सब में मैं जाऊँगी इस ड्रेस को पहन करके। और मेरी हाइट बढ़ने के बाद मैं सैंडल का उपयोग नहीं करूँगी, बल्कि डिज़ाइनर जो सैंडल आते हैं जो कि बिना हील के रहते हैं, मैं उसको पहनूँगी। क्योंकि मतलब जो मेरी हाइट जो है शॉर्ट थी, तब मैं ज़्यादा हील वाले सैंडल को पहनती थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे मतलब परेशानियाँ होनी पड़ती थी, मतलब जो मेरे पैर वगैरह हैं सूज जाते थे, काफ़ी सारे उसमें प्रॉब्लम्स आते थे, काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लगता था, तो मैं इन सब से भी परेशान हो गई थी। तो मैं चाहती थी कि मेरी हाइट बढ़ जाए, तो मैं जो है हील वाले सैंडल ना पहनूं, एंड कम हील वाले जो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं मैं बिल्कुल वैसे पहनूं, लेकिन डिज़ाइनर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने विजुलाइज़ किया, एंड मैंने एक और चीज़ की कि मैं अपने लाइफ को कैसे जीऊँगी हाइट बढ़ने के बाद, उस चीज़ को मैंने वर्तमान में फील किया, जैसे कि मेरी हाइट बढ़ गई है तो मैं किस तरह से अपने लाइफ को इन्जॉय करती हूँ, एंड मैंने वैसे ही एक्ट करना शुरू कर दिया जैसे मेरी हाइट जो है बढ़ चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हूँ, सबसे हट करके लग रही हूँ। एंड लोगों से मैंने कमेंट को भी विजुलाइज़ किया कि जैसे मेरे फ्रेंड हो गए, फैमिली हो गए, या फिर पेरेंट्स वगैरह है, कुछ कुछ लोग हैं, मतलब जितने भी मेरे जान पहचान के, तो मैंने उन सबको विजुलाइज़ किया
कि उन लोग मुझे जो है कमेंट कर रहे हैं कि यार तुम्हारी हाइट तो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही हो। सच में ऐसा करके ना बहुत सारे कमेंट को मैंने विजुलाइज किया था एंड बिलीव मी, सच में वो कमेंट्स जो है फिर से रिपीट हुए जब मेरी हाइट जो है बढ़ गई तब। एंड मेरी हाइट बढ़ने के बाद मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मैंने सेम कमेंट को जो विजुलाइज़ किया था उसी को अट्रैक्ट किया मेरे, जब मेरी जब हाइट बढ़ गई तब मेरे जो फ्रेंड पेरेंट्स या अड़ोसी पड़ोसी मतलब जो भी लोग थे वो लोग मुझे सेम कमेंट किए कि यार सच में तुम्हारी हाइट बढ़ गई है और तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। एंड जो भी चीज़ें मैंने जो ड्रेस के लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए या फिर कमेंट्स के लिए मतलब जो भी चीज़ मैंने विजुलाइज़ किया था सेम टू सेम मेरे लाइफ में अट्रैक्ट होने लगी थी और सच में मेरी जो डिज़ायर्ड हाइट है वो मुझे बहुत इजीली तरीके से मिल गई, वो भी सिर्फ 3 महीने में। एंड मैं सच में शॉक्ड भी हो गई एंड मुझे तो यूनिवर्स पर पूरा बिलीव भी हो गया। एंड मैं जो भी चीज़ अब मांगती हूँ मैं बिना डाउट के मांगती हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ तो पा ली जो सबसे बड़ी विशेष थी और उसके बाद जब अब भी मांगती हूँ तो मैं पूरे बिलीव के साथ मांगती हूँ एंड मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो थैंक यू ऑल। एंड मैं जिस तरह से अपनी लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करती हूँ उसी तरह आप भी कर सकते हो, बट आपको बिलीव करना होगा खुद पर और यूनिवर्स पर। ओके गाइस, थैंक्स लॉट। देखो कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है और कितनी इजीली तरीके से उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। सच में दिल से बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको भी ये ज़रूर अच्छा लगा होगा क्योंकि इनकी जो टेक्निक है मतलब विजुलाइजेशन की टेक्निक बहुत ही इजीली तरीके से इन्होंने मैनिफेस्ट किया। सिर्फ विजुलाइजेशन किया कि जो कमेंट कर रहे हैं उनके फैमिली वाले लोग, घर के लोग है ना, तो वो चीज़ों को इन्होंने बहुत ही हाई वाइब्रेशन के साथ मतलब अंदर से फील को ला करके, मतलब मान लो कि अभी आपको कोई बोल दे कि आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तो आपको कैसा लगेगा, तो हाँ उसी चीज़ को उन्होंने विजुलाइज़ किया, उस चीज़ को पूरे दिल से फील करके उन्होंने जो है विजुलाइज़ किया, उस चीज़ को महसूस किया जो कमेंट लोग कर रहे थे उनके ऊपर, उस चीज़ को उन्होंने फीलिंग के साथ समझा, उसे महसूस किया और उसे जो है एक्सेप्ट किया, ठीक है। एंड उन्होंने अपनी जो मनचाही ड्रेस है मतलब मनपसंद जो उसकी चॉइस थी उन्होंने कलेक्ट किया था डिज़ाइनर ड्रेस, तो सारे ड्रेसेस को उन्होंने विजुलाइज़ किया कि मैं ड्रेसेस को हाइट बढ़ने के बाद पहन रही हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी खुशियाँ चाहती थी वो हाइट बढ़ने के बाद जो भी चीज़ें करना चाहती थी उन सारी चीज़ों को उन्होंने विजुलाइज़ किया एंड उन्होंने ऐसे एक्ट किया जैसे उन्हें हाइट मिल चुकी है एंड उसके बाद वो अपनी लाइफ को जी रही है। तो इस तरह से आप अगर इसी प्रोसेस को करेंगे, ठीक है, तो अगर आप किसी भी टेक्निक को यूज़ करो लेकिन अगर उस पर बिलीव करोगे तो कोई भी टेक्निक आपके लिए काम करेगी, और अगर आपको किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं है तो कोई भी चीज़ आपको काम मतलब वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, आपके अंदर जो बिलीफ की वाली फीलिंग है ना वो मजबूत होनी चाहिए और जो अंदर से जो खुशी वाली फीलिंग है ना उस चीज़ में घुस जाना, एक फीलिंग को महसूस करना, अगर वो चीज़ है तो मतलब आपकी लाइफ में खुशियों को आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप जिस भी टेक्निक को करो उसके अंदर फीलिंग एंड बिलीफ दोनों चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस दोनों चीज़ों को यूज़ कर लिया तो आप ब्रह्मांड के किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो बिना किसी मेहनत के, सिर्फ सोचने से ही वो चीज़ें आपके साथ होने लगेगी, आपके मतलब लाइफ में वो आने लगेगी, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा एंड अपनी सक्सेस स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आपकी सक्सेस स्टोरी सुन करके दूसरे लोग भी मोटिवेट होंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए ख्याल, खुद से कीजिए प्यार। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।